वीडियो में हम बात करेंगे कि एक मार्केटिंग कंपनी इंडिया में आप शुरू करते हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिएगा। इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, वो किसी भी तरह का बिजनेस हो, फार्मा बिजनेस हो या दूसरी तरह का बिजनेस हो। 98% पर्सन को हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि उनको अपने बिजनेस शुरू करने में कितना इन्वेस्टमेंट चाहिएगा, ये आइडिया लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हम कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करेंगे जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप अपनी मार्केटिंग कंपनी शुरू करने के लिए आपको कितना खर्चा चाहिएगा। बेसिकली तीन तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, दूसरी बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड तरह की होती है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपको कंपनी रन करनी है उसके लिए आपको मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट चाहिएगी, उसको हम वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। थर्ड होती है इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेंट्री, जब आपने स्टॉक खरीदना है, स्टॉक प्रोडक्ट खरीदना है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट आपको चाहिएगी उसको हम इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेंट्री कहते हैं। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जो कि वन टाइम होती है, उसमें क्या आता है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। उसमें आपका लैंड आ सकता है, बिल्डिंग आ सकता है, ऑफिस आ सकता है, कोई आप व्हीकल खरीदते हैं, कोई कंप्यूटर खरीदते हैं, प्रिंटर खरीदते हैं या दूसरी कोई भी जनरल आइटम खरीदते हैं, वो आपकी फिक्स कैपिटल में आ जाती है। वर्किंग कैपिटल में आपकी जो जो आती है उनके बारे में थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। वो एक स्मूथ रनिंग के लिए जब तक आपकी कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ जाती तब तक आपको वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ती है। उसके बाद अगर कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है आप वो खुद अपने एक्सपेंसेस निकालना शुरू कर देती है। इसमें आपके सैलरी आ जाती है, वेजेज आ जाते हैं, मार्केटिंग प्रमोशनल एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो भी आपको मंथली या डेली बेसिस पे चाहिएंगे। इसमें प्लान्ड भी होते हैं, प्री प्लान्ड भी होते हैं, अनप्लान्ड भी होते हैं, कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। आप अपने प्रोडक्ट को अगर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या लोन लाइसेंसिंग पे बनवा लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आपको एक ऑफिस चाहिए, वो आपका अपना भी हो सकता है और रेंटेड भी हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह शुरू करना है। अगर आपका अपना ऑफिस है तो हम उसको फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे रख रहे हैं, लेकिन अगर आपका रेंटेड है तो उसको हम वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लेके चल रहे हैं। फिक्स एसेट्स की बात करते हैं जो हमको चाहिएंगे मार्केटिंग कंपनी शुरू करने के लिए, जिनको ऐड करके हम फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, जनरल आइडिया ले लेते हैं। वैसे तो निर्भर करता है आप पर कि आप किस तरह शुरू करते हैं। ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस फर्नीचर या एसेसरीज, ये फिक्स एसेट्स में आते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर लेंगे, अगर आप फर्नीचर लेंगे या सॉरी उसके लिए आप प्रिंटर्स लेंगे या दूसरी नेसेसरी चीज़ें लेंगे, फिटिंग कराएंगे, उसको फर्निशिंग कराएंगे, डेकोरेट कराएंगे, इन्वेस्टमेंट अगर लाइसेंस, हर बिजनेस के लिए अलग अलग लाइसेंस और डॉक्यूमेंट चाहिए, उनको पूरा करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट आता है, वो भी फिक्स असेट्स में ही रख रहे हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट जो जनरली कभी भी अराइज हो सकती है टाइम पे, उनके लिए हम उसको अदर रिक्वायरमेंट्स में ले रहे हैं जिनको हम बेसिकली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लिक्विड असेट्स की बात करते हैं तो उनमें क्या कहता है, ऑफिस स्टाफ की सैलरी, अब कितना स्टाफ है कितना नहीं है वो आप पे निर्भर करता है, तो उसकी ऑफिस सैलरी को हम जो स्टाफ की सैलरी को है उसको लिक्विड एसेट्स में रख रहे हैं। रेंट अगर आपकी रेंटेड परमिसेज हैं, ओवन को हम फिक्स में रख चुके हैं। उसके आगे बैंक लोन है आप पे तो उसकी किस्तें जाएंगी, उसकी इंस्टॉलमेंट जाएगी, उसको भी लिक्विड एसेट्स में हम लेके चल रहे हैं। प्रमोशनल करते हैं या मार्केटिंग करते हैं, किस वे से करते हैं, उस पर जो खर्चा आएगा वो लिक्विड एसेट्स में आएगा। दूसरे एक्सपेंसेस जैसे कोरियर चार्जेज आ गए या आपको चाय का या जो भी आपका डेली बेस मंथली बेसिस पे आएगा उसको लिक्विड एसेट्स में हम रखेंगे। अब सबको हम ऐड कर लेंगे, फिक्स कैपिटल फिक्स एसेट्स को ऐड कर लेंगे तो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। सारे कॉस्ट रेट्स एक्सपेंसेस सब वेरी करेंगे लोकेशन के हिसाब से, यहाँ पे केवल हम एक जनरल आइडिया ले रहे हैं। सपोज कर रहे हैं कि बिल्डिंग आपकी 10 लाख रुपए की है, आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, नो डाउट आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप रेंटेड बेसिस पे शुरू करते हैं अपना ऑफिस। फर्नीचर की कॉस्ट आपकी लगेगी वो 20,000 के आसपास हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट्स होंगे, फिटिंग्स वगैरह होंगे, प्रिंटर्स होंगे, उनको हम 30,000 के आसपास लेके चल रहे हैं। वेरी करेगा, सारी चीज़ें वेरी करेगी लोकेशन और लोकेलिटी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। जो हम डेकोरेशन का सामान अगर हम सिंपल भी करते हैं तो 20,000 के आसपास आपका डेकोरेशन फिटिंग फर्निशिंग में आपका खर्चा आ जाता है। जो लाइसेंसिंग वगैरह की डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो एक्सपेंसेस यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं वो 15,000 के आसपास चल रहे हैं। दूसरे एक्सपेंसेस या रिजर्व मनी लगा सकते हैं कि कुछ भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है उसके लिए हम 25,000 ऐड करके चल रहे हैं। अब इन सब को ऐड कर लीजिए तो आपकी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी निकल आएगी। ये केवल एस्टिमेट है, आप एक्चुअल अपने हिसाब से निकाल सकते हैं अपने एरिया के में। अगर आप रिसर्च करेंगे कितना रेंट है, कितनी बिल्डिंग है, कितना कॉस्ट है, वो सारा आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपके पेजेज पे या आपके माइंड में आ जाएगी आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की,
जब उसको हम लिक्विड एसेट्स को ऐड कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल हमारी आ जाएगी। अगर ऑफिस के स्टाफ की सैलरी या वेजेस की बात करते हैं वो तो नंबर ऑफ स्टाफ और एम्प्लॉयज पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे सपोज करें कि आप 2% का स्टाफ रखते हैं और आप अकेले हैं तो हम टोटल सबके वेजेस और सैलरी 50,000 के आसपास मान के चल रहे हैं। रेंट हम 10,000 मान रहे हैं आपकी रेंटेड प्रीमिसेस के लिए, अपनी है तो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हमने लगा दी है। बैंक लोन को हम 10,000 मान के चल रहे हैं, किसी और इंस्टीट्यूट से लिया होगा तो उसको भी लोन देना ही पड़ेगा। प्रमोशनल और मार्केटिंग इनपुट्स के लिए आप किस तरह का वे बनाते हैं उस पर डिपेंड करेगी, लेकिन हम यहाँ पे 20,000 लेके चल रहे हैं कि आपको प्रमोशनल और मार्केटिंग पे करना पड़ेगा। दूसरे एक्सपेंसेस के लिए हम 7,000 लेके चल रहे हैं। इन सबको आप ऐड कर देंगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ये भी वेरी करेगी लोकेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, कितना रेंट है, कैसा है, कैसा है, सब कुछ वेरी करेगा। आप अपनी खुद ही निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे एक आइडिया के तौर पे आप उसको ले के चल सकते हैं। वही बात आ जाती है कि कॉस्ट, रेट, एक्सपेंसेस वेरी करेंगे लोकेशन के हिसाब से, एग्जैक्ट वैल्यू आप खुद ही निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थर्ड तरह की इन्वेस्टमेंट की जब बात करेंगे तो वो स्टॉक और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पर आ जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी स्टॉक इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कि आप कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स से लॉन्च कर रहे हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जितने प्रोडक्ट करेंगे उतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, कम से करेंगे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। हम यहाँ पर 5 प्रोडक्ट से इन्वेस्टमेंट मान के चल रहे हैं पर पीस की। एक प्रोडक्ट की सपोज करो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 20 रुपीज पर पीस बैठती है और 2,000 पीस का उसका बेस्ट साइज है तो वो 40,000 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट हो गई है। उसी तरह हम सेकंड कॉस्ट की सेकंड प्रोडक्ट की मान लेते हैं, उसकी कॉस्ट मान लेते हैं कि वो 30,000 रुपीज़ आपको पड़ रहा है। उसके अलावा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की हम कैलकुलेट कर लेंगे, उनकी कॉस्ट बेस्ट साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 20,000, 60,000 और 98,000 मान के चल रहे हैं। इनको सबको ऐड कर देते हैं तो आपकी प्रोडक्ट पे जितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चल रहे हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपने पहले प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, आपके पास आ गया, वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन रहे हैं। दूसरी होती है कि आपका अपने मार्केट में मटेरियल दे दिया, उसके बाद आपको लगता है कि आपका स्टॉक ख़त्म होने वाला है, हमने सेकंड ऑर्डर दे दिया, पहला भी कुछ पड़ा है, सेकंड आपके पास आ जाता है, उसको सेकंड इन्वेस्टमेंट मान के चल रहे हैं। थर्ड में हम मान के चल रहे हैं एमरजेंसी मनी में, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए, जो अगर बल्क में ऑर्डर आ गया या कुछ भी हो सकता है उसके लिए हम मान के चल रहे हैं। आपको नीड डबल इन्वेस्टमेंट आपको रिजर्व मनी के लिए चाहिए जो आपको इनिशियल स्टेज पर करते हैं। आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, डॉक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी पे भी इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा आपको रिटेलर्स और स्टॉकिस्ट को क्रेडिट भी देना है, और भी एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको बियर करने पड़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पे farmafranchisehelp@gmail.com पे, या आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.farmafranchisehelp.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।